उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का घमासान जारी है। 19 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। इस बार का पंचायती चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार राष्ट्रीय पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, प्रत्याशी आए हैं और नामांकन के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जुटा रहे हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं और बातचीत करके जानते हैं कि इन प्रत्याशियों की क्या रणनीति है और आगे जाकर ये अपनी जनता के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं। हम, मेरी पत्नी जो रही प्रधान रही इसके पहले, और उसने अपना कार्य हमको सौंप दिया जब वो प्रधान हो गई, और उसके बाद में हमने उस कार्य को शुरू किए। तो मैं ये चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे हमारे लोगों को और तमाम बेसहारा लोगों को अमन और चैन मिले। देखिए, 24 नंबर वार्ड में मैंने देखा किसानों की समस्याएं हैं और रोडों की समस्याएं, नालों की समस्याएं हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए विचार किए और मैदान में आए। लोगों के लिए विकास करना है, जैसे कि होते तो बहुत पहले थे, लेकिन होने के बाद वो सिर्फ अपने आप को देखते और जो खास होते थे उनको देखते थे। लेकिन मेरी सोच जहाँ तक के ये है कि मैं जीतने के बाद हर गांव-गांव जाकर हर प्रति व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याओं को समझना है, गांव का विकास करना है। जैसे कहीं कहीं घरों से बाहर जो सड़कें हैं उन पे पानी बह रहा है, नाली नहीं बनी है, इन सब चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम सारे क्षेत्र जा चुके हैं, हर गांव वहां की समस्याएं समझ रहे हैं। तो यही सोचकर हम यही मतलब देखकर हम सोच रहे हैं कि उनका विकास करना है जीतने के बाद। बस एक तो मजदूर और किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है और तीसरा मुद्दा है बेरोजगार का। जी, पर काम करेंगे। जी सर, जीतने के बाद जी किस प्रकार से काम करेंगे बेरोजगारी पर? बेरोजगारी के लिए लोगों को रोजगार, जो हमारे एरिया है ये जो क्षेत्र पचास माल का फार्म है रहीमाबाद, और दूसरा है मानखेड़ा वगैरह, वहाँ पर बहुत सारा एरिया पड़ा हुआ है ना। तो हम चाहेंगे कि सरकार से कि जो हमारा किसान मजदूर है, हमारे क्षेत्र में लोगों के पास खेती बहुत कम है, तो खेती भी प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा समस्या पानी की है, नहर आज भी सूखी पड़ी हुई है। अगर नहर को पानी दे दिया जाए तो हमारे किसानों को पानी मिल जाएगा, जिससे हम किसी पार्टी से नहीं निर्दलीय हैं। जी सर, अब जो अब हमको जीतने के बाद जो जैसे सबको विकास करेंगे और सब रास्ता हैं जो है सब सही करेंगे, अब जीतने के बाद तब देखा जाएगा। जनता के भी हम लोग इसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, और स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और जो गांव में बढ़ती भ्रष्टाचार। किस पार्टी से हैं आप? शिवपाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से। तो क्या रणनीति है आपकी आगे जाकर, किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आप काम करने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं? वैसे मेरा जो है क्या बोलते हैं कहना है कि मैं समाज सेवा जो है क्या बोलते हैं करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, जन तो गरीबों को सहायता देंगे और बूढ़े उनको सहायता देंगे। किस प्रकार से जिस तरीके से मदद हो जाएगी उस तरीके से करेंगे। बीजेपी सरकार तो हर तरफ छाई हुई है लेकिन विकास कहीं हद तक दिख नहीं पाता, तो उस पर क्या कहेंगे? वो हम तो करेंगे, जो हमारे लायक होगा वो हम करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, राशन, इन समस्याओं को उठाना है, इन समस्याओं से जनता जूझ रही है, इससे निजात दिलानी है। जैसा कि आपने देखा, हमने अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों से बातचीत की, उनका यही कहना था कि आने वाले समय में हम जनता के लिए काम करेंगे और जमीनी स्तर पर गांव के विकास के लिए काम करेंगे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो वादे ये अभी कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, उस वादे पर ये किस हद तक खरे उतर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।